प्यार करती हूँ। आखिर रोहन की वजह से वो आज भी मेरे यादों में, मेरे दिल में। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। बार चेक किया था? 3 से 4 बार। कितनी बार? 3 से 4 बार। You think it's a joke? School project है ये? बार बार hit and trial हो सकता है, गलतियां हो सकती है। That's how you represent the company? Don't mind. What's wrong with you, Rohit? क्या यार, क्या कर रही है? क्या सब पे गुस्सा निकालता रहता है? डोनमैन, जो तेरे अंदर है ना, सबसे पहले उसे बाहर निकाल। यार डोनमैन, मुझे पता है कि ये सब भुला देना, ये सब ऐसे मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नैना को भुलाकर आगे बढ़ अपने लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए। यार कम ऑन। आसान नहीं है मेरे लिए। रोज सुबह उठकर अपने आप से एक ही वादा करता हूं कि उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना भी कोशिश कर लूं नहीं भुला पा रहा हूं मैं उसे। याद आती है यार, वो याद आती है, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसका मुझसे बात करना। मैं क्या करूं भैया? बस कर यार। रोहित देख, थोड़ा समय लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए आसान नहीं है, मेरे भाई। सुन नहीं रहा। Hey, don't mind, मेरे भाई। अरे बोला ना, वक्त वक्त सब सही करेगा, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट माइंड, चल अब अपने बढ़िया वाली एस्प्रेसो मिला, चल। और ये मूड वूड सब सही कर, एवरीथिंग इज फाइन, और ऑफिस है, ठीक है, कम, चलो चल। अच्छी है। मुझे माफ कर देना रोहित, शायद मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, मगर मुझे आज भी यकीन है कि रोहन मेरे आसपास ही है। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए, बहुत हेक्टिक हो गया था यार। देखो नैना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, पर तुम्हें इन सब से बाहर आना होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिन के लिए छुट्टियों में चली जाओ यहाँ से कहीं दूर, और फिर से पुरानी नैना को ढूंढने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता इतना लंबा सफर तय करने की अब हिम्मत है मुझ में। रोहन के जाने के बाद ना, मेरी हंसी, खुशी, सब कुछ जिंदगी के अंधेरे में जैसे गुम हो गया। मैंने कोशिश की थी सबसे बाहर आने की, बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना, इंतजार लंबा हो तो चलता है, लेकिन इंतजार एक तरफा हो ना तो वो बहुत चुभता है। ऐसा मत सोचो नैना, तुम एक म्यूजिक टीचर हो, और पता है ना, म्यूजिक हील्स एवरीथिंग। शायद तुम सही कह रही हो, म्यूजिक हील्स एवरीथिंग,
क्या पता म्यूजिक ही मेरी जिंदगी के इस अंधेरे से बाहर आने में मेरी मदद कर पाए और वो खुशियां मुझे फिर से दिखा पाए जो आंखें होने के बाद भी मैं नहीं देख पा रही। अच्छा सुनो मेरी बात, वैसे भी कल से स्कूल में छुट्टियां पड़ रही है, तुम ऐसे उदास होकर घर पे रहोगी तो बीमार हो जाओ। तुम एक काम करो, हमारे गांव होकर आओ, वहां कुछ दिन रहोगी तो ठीक हो जाओगी। वैसे भी वहां मेरी एक फ्रेंड है जो एक म्यूजिक टीचर ढूंढ रही है, इस बहाने तुम्हारी टीचिंग भी हो जाएगी एंड यू विल फाइंड सम चेंज। तरसती है ये। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी एक फ्रेंड कोमल, आपने बात की होगी म्यूजिक टीचर के लिए? ओह अच्छा, तो आपने आना है जी। आइए प्लीज बैठिए जी। आइए। मेरा नाम रीना है, रीना मेहता। नैना आई मम्मा। और ये है मेरी डॉटर नैना। हेलो मैम। हाय, आपका नाम नैना है? आपको पता है मेरा नाम भी नैना है। यू आर सो क्यूट। थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच इतनी दूर आने के लिए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों थैंक यू कह रही हैं? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, शायद इसी बहाने मेरे लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? देर हो रही है ना क्लास के लिए? चलो। टीचर प्लीज, आप मम्मा के साथ थोड़ी देर बैठ जाओगे? मुझे अपने फ्रेंड से भी मिलने जाना है और आज मैं उठने में भी लेट हो गई हूँ। प्लीज टीचर, वो मेरा वेट कर रहा होगा। प्लीज टीचर, प्लीज टीचर, प्लीज। ओके बाबा। थैंक यू मैम। लेकिन जल्दी आ जाना और टीचर को ज्यादा वेट मत करवाना। ओके ओके मम्मा। नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ फ्रेंड से मिलकर आओ। थैंक यू मैम। बाय मम्मा। बाय मैम। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज गई नहीं आप अपने फ्रेंड से मिलने? आज तो सुबह के ही मिल के आ गई। सुबह ही? हमेशा जाते हो फ्रेंड से मिलने। और क्या, किचन में घुसकर मेरे सर पर खड़े होकर उसके लिए कुछ ना कुछ बनवाती रहती है और आज उसके लिए सैंडविचेस बनवाए। अरे वाह, फिर तो बहुत स्पेशल है ये फ्रेंड। आपके स्कूल में है? मैम वो इतना बड़ा होकर स्कूल जाएगा क्या? एक्चुअली वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आया है और नैना से बड़ी अटैचमेंट हो गई है उसकी और नैना भी उसका बहुत ख्याल रखती है। रखना पड़ता है मम्मा, he is so careless, सब कुछ इधर उधर करके रखते हैं और फिर तोड़ देते हैं। मैम मैम, आप उसको भी म्यूजिक सिखाओगी? आप मेरे फ्रेंड हो ना, और वो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड तो फ्रेंड हुआ, तो सिखा दूंगी। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। तो फिर कल आप मेरे साथ चलोगे? हाँ चलूंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अरे मैम को कहाँ ले जाओगे साथ में? कोई बात नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। अब खुश? बहुत खुश। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। मैम जल्दी आइए ना। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। बस यहाँ पे ही है। हाँ, तो ये है वो जगह? हाँ यहाँ पे ही रहता है मेरा फ्रेंड। हाँ मैम जल्दी आइए। मैम वो देखिए, वो है मेरा फ्रेंड। अच्छा वो? तो आ गई आप? आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ? क्योंकि मेरी क्यूट नैना मैडम, आपका जो परफ्यूम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो क्या दूर दूर के पहाड़ों तक को पता चल जाता है कि आप आ गई और वो मुझे बता देते हैं। आप तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं, अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे ना तो रिच तक पता लग जाएगा कि आप आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। ओफो कितनी बार बताऊं, ये कोई परफ्यूम नहीं है,
मम्मा पता नहीं कौन सा सुबह सुबह तेल लगा के रखा हुआ है, उसी की महक है ये। दादी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नैना तुम? नैना ये आंखें रोहन की हैं। उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम उसकी आंखों से दुनिया को देखो। प्लीज संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ मैं वो मेरा एक पेशेंट है, मैं उसके रूटीन चेकअप के लिए अक्सर यहाँ आता हूँ। प्लीज अर्जेंट है। हेलो दादी, मिल गई दवाई? आप और आपकी दवाइयाँ। अब ध्यान रखिएगा, मैं आराम से आपको फोन करती हूँ। अरे आपको पता है क्या? आज मेरे साथ मेरी म्यूजिक टीचर भी आई है। अच्छा चलो गेस करो उनका नाम क्या है। क्या नाम है? नैना। नैना म्यूजिक टीचर? हाँ। कहाँ है वो? अरे यहाँ पे तो थी अभी। क्या हुआ? शायद वो वापस घर चले गए। वापस चले गए? आपने तो मुझे कभी पहले नहीं बताया कि आपकी कोई म्यूजिक टीचर है। कैसे बताती, अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, पता है वो भी शिमला से। शिमला से? मम्मा ने उनको स्पेशली बुलाया है शिमला से। उफो कितने क्वेश्चंस पूछते हो, मेरे क्वेश्चन का तो आंसर देते नहीं हो तुम। अरे मेरी लिटिल प्रिंसेस आज टीचर बनी हुई है। हाँ और क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है तो आज मेरी लिटिल प्रिंसेस टीचर बनकर क्वेश्चंस पूछेगी और उनका स्टूडेंट उनको जवाब देगा। गुड बॉय। तो चलो अब ये बताओ तुम्हारी आंखें कहाँ गई? मेरी आंखें कहाँ गई? मेरी आंखें यही तो है। अगर यही है तो फिर आप देख क्यों नहीं पाते? किसने कहा मैं नहीं देख सकता, सब कुछ तो दिखाई देता है मुझे। अच्छा बताओ ऊपर ब्लू स्काई है? हाँ। नीचे जमीन है? हमारे आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पहाड़ है, राइट? हाँ। और मेरे बगल में मेरी क्यूट सी प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस एंजल बैठी हुई है। स्मार्ट आंसर, बहुत चालू हो आप। अब प्लीज कृपा करके मेरे को बता दो। क्या बताना है? मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स। कौन सा क्वेश्चन? कुछ मत बताओ, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे 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 एक सेकंड, मेरी प्रिंसेस तो नाराजी हो गई। हाँ हो गई, और कल लाऊंगी भी नहीं। अगर मेरी एंजल कल से आएगी नहीं, मुझसे मिलेगी नहीं, तो मुझे मेरे टेस्टी डिलिशियस चीज सैंडविचेस कैसे मिलेंगे? तो फिर बता दो ना। अच्छा ठीक है, तो नैना जो गॉड जी होते हैं ना, उनके पास एक किताब होती है और उस किताब में वो स्टोरीज लिखते हैं। स्टोरीज? कैसी स्टोरीज? आपकी स्टोरीज, मेरी स्टोरी, हम सबकी स्टोरीज लिखते हैं गॉड जी। और उस स्टोरी में भगवान जी ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया। रोल? कैसा रोल? एक राजकुमारी का ध्यान रखने का रोल, राजकुमारी को खुश रखने का रोल। एक राजकुमारी को हंसाने का रोल। तो आपने क्या किया? मैंने क्या किया? भगवान जी की जो स्टोरी थी ना, स्टोरी में राजकुमारी जो थी वो देख नहीं सकती थी, तो
तो गॉड जी ने मुझे ऑर्डर किया कि मैं जाऊं और अपनी आंखें उस राजकुमारी को दे दूं। और आपको पता है फिर क्या हुआ? आंखें मिलने के बाद उस राजकुमारी ने सारा का सारा खूबसूरत शिमला देखा, सारी की सारी खूबसूरत दुनिया देखी, उसकी जिंदगी में खूबसूरती और रौनक वापस से लौट आए। और उसके बाद गॉड जी ने मुझे ऑर्डर किया कि मैं जाकर इस एंजल के पास आ जाऊं यहां। उस राजकुमारी का नाम क्या था? उस राजकुमारी का नाम नैना। नैना म्यूजिशियन मैडम। वाओ, उसका भी नाम नैना था? हाँ, उसका भी नाम नैना था। ओह नो, क्या हुआ? मेरे को जाना पड़ेगा वरना मम्मी से डांट पड़ने वाली है। हाँ, जाना तो पड़ेगा। सैंडविच पूरा खा लेना। ओके ओके, बाय। और आप ध्यान से जाना और सीधा घर जाना। खा लूंगा, बाय।